स्वागत है आपका समाज ब्लॉग पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ योनो SBI एप्लीकेशन के ऊपर। योनो SBI एप्लीकेशन के थ्रू से आप कैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर आज का वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा LIC का प्रीमियम आप कैसे पेड कर सकते हैं, तो वही दिखाएंगे आज हम आप आज का वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे योनो SBI के थ्रू से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी का। तो उसके लिए पहले आप मोबाइल का योनो SBI एप्लीकेशन खोलिए। तो खोलने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप पहले लॉगिन कर लीजिए, जो अभी मैं कर रहा हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जो आपको पेज दिखाई देगा वो पेज को आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा बिल पेमेंट्स, जो आपको बिल पेमेंट्स में जाना होगा। तो बिल पेमेंट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एड बिलर्स पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले एड बिलर्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आगे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पर जाना होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें आपको पहले बिलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट बिलर पर जाना है। तो सिलेक्ट बिलर पर जाके आपको कौन सा कंपनी का आप इंश्योरेंस खोल रखा है तो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी LIC का खोल के रखा है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका निक नेम डालना है। निक नेम में आपका जो नाम है उसका पहला जो नाम है वही डालिए, ये 5 अक्षर का ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख दिया यहाँ पे मेरा नाम। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखना है, डाल दिया पॉलिसी नंबर। तो उसके आपको डाल दिया पॉलिसी नंबर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालना है, कितना आपका इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है आप यहाँ पे डाल दिया। तो मैं यहाँ पे मेरा खुद का इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डाल दिया। तो उसके बाद आपको मांगेगा ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालिए। अगर आपका नहीं है तो जिसमें आपको और रिसीप चाहिए तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ आपके मेरा खुद का ईमेल आईडी। तो मैंने आप खुद का ईमेल आईडी डाल दिया यहाँ पे। तो उसके बाद आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे रिसीप टाइप। तो आपको यहाँ पे रिसीप टाइप सिलेक्ट करना है। रिसीप टाइप में 2 ऑप्शन दिखाई देगा आपको, एक तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिसीप है, और उसके बाद एक पी मतलब पोर्ट्रेट PDF। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल पी पर सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद आपको मांगेगा मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं खुद का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट, तो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मेरा अभी एक ही अकाउंट है, तो इसी अकाउंट से कटवाना है मेरे को, तो यही रहने देंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑटो पेमेंट, तो ऑटो पेमेंट में क्लिक करना है आपको। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे रहिए। तो ऑटो पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, येस और नो। तो अभी हम यस नहीं करेंगे, नो करेंगे। यस करने से आपका जो अमाउंट आप दिया है वहाँ पे ऊपर, तो वही अमाउंट आपका कट लेगा, समय के हिसाब से काटेगा। तो अभी मैं हम यहाँ पे नो मारेंगे। तो नो मारने से आपको यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑन बिल पेमेंट सेट करना पड़ेगा। उसमें आपको जितना सेट करना है आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अमाउंट सेट कर देता हूँ। मैंने अपना अमाउंट सेट कर दिया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। हाँ, तो सॉरी मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना भूल गया था। जो आपका इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है उसमें आप जब प्रीमियम लिखेंगे उसके बाद डॉट डल के आपको यहाँ पे 2-0 लिखना होगा, ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो ठीक है, ये मैं मार दिया। अभी ये मारने के बाद आपको रजिस्टर करना है। हाँ, तो आपका हो गया रजिस्टर।
तो ऐसे आपको कॉन्फर्म करना है। यहाँ पे हम अभी अपने इंश्योरेंस कंपनी को सक्सेसफुली एक बिल्ला के तौर पे ऐड कर लिया, लेकिन हम लोगों का पेमेंट अब तक हुआ नहीं। नेक्स्ट डे हमको खोल के खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑटो पेमेंट का ऑप्शन में नो सिलेक्ट किया था। अगर ये सिलेक्ट कर दे तो खुद ब खुद ही हो जाता। तो पूरा वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे योनो SBI एप्लीकेशन के थ्रू से हम इंश्योरेंस कंपनी को एक बिलर की दौड़ पे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, और एक यहाँ पे बार एक बार अब जो आप ऐड किया, ऐड करने के साथों साथ आपका जो बिल है वो पेमेंट नहीं हुआ, आप उसको नेक्स्ट डे खोलिए। खोलने के बाद आपको वहाँ पे जाके बिल को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑटो पे का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको ऑटो पे का ऑप्शन चूज करने से वो खुद ब खुद नेक्स्ट डे बिल हो जाता है, लेकिन हमने ऑटो पे का ऑप्शन चूज नहीं किया था, वहाँ पे हमने यस नहीं नो मारा था, इसीलिए आपको नेक्स्ट डे आपको वो एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। योनो खोल के फिर से आपको वहाँ पे जाके जो आपने ऐड किया बिलर की तौर पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का, तो इंश्योरेंस कंपनी का आपको वहाँ जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो था एडिटर, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।